तो अब बताओ क्या हुआ था। वैसे तुम क्या सुनना चाहते हो? मुझे नहीं पता, ऐसा है जैसे जैसे वो सब किसी और के साथ हो रहा है, जैसे मैं अपने आप को किनारे से देख रही थी। मुझे नहीं पता, मैं पार्क में थी, सब कुछ ठीक था। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी और मैंगोज के बारे में। मैंगोज? मुझे असल में तब मैंगोज की इच्छा हुई। और फिर मैंने अपने गाड़ी तक जाने का फैसला किया, क्योंकि वो पेवमेंट पर खड़ी थी जहाँ कोई खड़ा नहीं रह सकता। मुझे सोचना याद है, मुझे यकीन है पुलिस वहाँ मेरे लिए इंतज़ार कर रही थी, मुझ पर जुर्माना लगाने के लिए। मैं याना और आंड्री से भिड़ गई थी। उन्होंने मुझे एक रेस्टोरेंट पर बुलाया। हम वहाँ बैठे, हमने बातें की। याना ने अपनी किसी प्रेग्नेंट दोस्त के बारे में बताना शुरू ही कर दिया था कि कुछ बहुत पकाओ। आंड्री चुप था। और फिर एकदम से मेरी नजर में कुछ काले धब्बे आने लगे। और तेज सा दर्द हुआ मेरे निचले पेट में। मैंने सोचा वो इसलिए हो क्योंकि मैं बहुत देर से पैदल काम कर रही थी। मैं जल्दी बाथरूम में गई और फिर मुझे महसूस हुआ कुछ गर्म मेरे पैरों से नीचे, कुछ जाता हुआ महसूस हुआ। और फिर मैंने नीचे देखा और फिर मैंने खून देखा। लेकिन तब तक मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या हो रहा था। मैंने उस खून को देखा और मुझे नहीं पता था कि वो हमारा छोटा बच्चा है। याना भागते हुए आई। जैसे ही मुझे पता चला, उसने कुर्सी पर लाल धब्बा देखा था। हमने एम्बुलेंस बुलाई। जब मैं होश में आई तब मुझे तुरंत समझ में आ गया, बस इतना ही, मैं खोखली हूं, हमारा बच्चा अब और मेरे साथ नहीं था। तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? याना तुम्हें तब बुलाना चाहती थी, लेकिन फैसला किया कि मैं तुम्हें सब कुछ खुद ही बताऊंगी। मैंने याना और आंड्री से बात की थी, वो इस बारे में चुप रहे। वो चुप रहे और फिर? और फिर मैंने उसके बाद तुम्हें देखा। तुम कितने खुश थे जब मैंने तुम्हें देखा। तुम्हें नहीं पता था कि अभी एक दुखद घटना हुई थी।
और तुम्हारे परिवार ने मेरा वापस घर पर वेलकम किया और रोजाना चिकन सूप के साथ। मैं बस नहीं बता पाई